डेढ़ महीने से ही बीमार है, डेढ़ महीने से बीमार है। इसको मैं ले गई थी पहले। क्या नाम है इसका? अर्चना। आंचल है इसका नाम। ओके ओके। आंचल कितने साल की हो? इधर आओ मेरे पास आओ, उठ के आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, ठीक हो जाओगी, कोई बात नहीं है। तुम आ जाओ, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। सर जी के पास आ गए, सही हो जाएंगे। आ जाओ, आ जाओ मेरे पास, यहाँ आ जाओ, कुर्सी में बैठ जाओ। चलो इसे पहले प्राइवेट से दिखाए थे, वहाँ पर नहीं सुधराया तो फिर मेडिकल लाए, यहाँ पे दवा दे दिए, फिर घर भेज दिए। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फोर्थ में। ये किसने लगा दिया? डॉक्टर ने? तकलीफ होती है ना इससे, दर्द होती है इसके अंदर? वेरी बैड है, ये डॉक्टर लोग ऐसे ही करते हैं, गड़बड़ करते हैं। अब मेरे पास आ गए ना, मैं आपको हॉस्पिटल भेज रहा हूँ, ठीक हो जाओगे तुम, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। कितने दिन से बीमार हो पता है? नहीं पता कितने दिन से बीमार हो? क्या बीमारी है आपको? क्या होता है, क्या होता है बेटे? बोलो बेबी, पीलिया हो गया। पीलिया हो गया? कहाँ पीलिया हो गया? देखो पेट में पीलिया हो गया। ओह माय गुडनेस। कहाँ, कौन से स्कूल में पढ़ती हो? नगर निगम के स्कूल में पढ़ती हो? ओह माय गुडनेस। तो ये कितने दिन से ये चल रहा है? ये सर 9 तारीख तक हुई थी। 9 तारीख कौन सी? 9 जून को ठीक थी, फिर 12-13 जून को तो बुखार आ गया, फिर बुखार आया थी, फोन हॉस्पिटल जाए। अच्छा, फिर हल्का हल्का पीलिया है, ठीक हो जाएगा। ओके, सर देना चालू कर दिया। फिर क्या हुआ? इसके बाद में इसको पेट दर्द हो रहा था, पेट दर्द हुआ तो फिर गए खून टेस्ट कर रहे हैं। अम्बेडकर में कब आए थे? अम्बेडकर में आपको 10 तारीख को आए, 10 को, 10 जुलाई को, 10 जुलाई को, उससे पहले। और उसके बाद फिर अम्बेडकर ने आपको लोकनायक में भेजा? लोकनायक में बहुत मजाक उड़ाया। कहाँ पे? क्या मजाक उड़ाया? सर्जनी में काम हो रहा था, सर्जनी का काम ले लिया था, सर्जरी का। हम लोग पढ़े लिखे तो नहीं है, तो इसको जो है तो पहले, मतलब लोकनायक में जब आप इस बच्चे को लेके गए तो आपका मजाक उड़ाया? मजाक उड़ाया। कैसे बताया मजाक उड़ाया? मजाक उड़ाया कैसे? मजाक उड़ाया, पहले तो इमरजेंसी में ठीक था, इमरजेंसी में। अच्छा, इमरजेंसी में देखता करके बोला 14 नंबर वार्ड में जाइए। 14 नंबर वार्ड में गए तो फिर कह रहा है इसको 5वीं मंजिल पे एक एक फर्स्ट फ्लोर पे ले जाइए, अल्ट्रासाउंड होगा। अल्ट्रासाउंड वहाँ पे भी डॉक्टर अच्छे थे, वातावरण था, अल्ट्रासाउंड इनको कर दिया। मैंने पूछा सर इसमें जो है सो खतरा तो नहीं? तो इंस्पेक्शन है, ये जो अम्बेडकर में लिख दिए थे आपको जो ये ऑपरेशन करना पड़ेगा, सो नहीं है, दवाई खाते ठीक हो जाएगा। फिर हमको वहाँ से भेज दिए 14 नंबर वार्ड में। 14 नंबर वार्ड में फिर आए, फाइल जमा कर दिए। 2 घंटे के बाद में इन्होंने मेरे को कह रहे जो अब छुट्टी कर, तुम लोग को जो काम था मैंने कर दिए, अब यहाँ से फिर आप। मजाक क्या उड़ाया? मजाक ये उड़ाया है, हम 2 घंटे तक रखे रहे बच्चे को, हमारे बच्चे के दिल में हाथ नहीं लगा, फिर इसको 102 बुखार हो गया। तो मैं गई काउंटर पे, बताया डॉक्टर साहब इसको इलाज कीजिए, तो बोले जे दवा आधा गोटी लेके दे दिए हमें, जे ये खिला दो, और फिर बोले जे यहाँ से ले जाओ, यहाँ पे इसका भर्ती नहीं होगा क्योंकि इसको भेजे थे सर्जरी के लिए, तो इसका जरूरत है नहीं, मेरे पास तो भेजे नहीं, सर्जरी वाले के पास भेजे हैं, वहाँ ले जाओ। तो हम बोले वहाँ तो ये लिख के दिए हैं आपके पास, तो नहीं हम नहीं यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर गुजर बसर करने के लिए है जगह, यहाँ से ले जाओ। फिर बोले ये सब डॉक्टर ने कहा? डॉक्टर ने कहा, लोकनायक का उसमें एक थे। फिर आप उसको ले आए, वापस ले आए अम्बेडकर से, वापस साइन भी करवा लिया गया। क्या मजी से ले जा रहे हैं हमें, क्या बोले जो ये पर्चे पे साइन करो? हम बोले जो इस पर्चे पे मैं साइन नहीं करूंगी, हमें यहाँ भेजे हैं बच्चे के इलाज के लिए, मैं यहीं रहूंगी, हमारे बच्चा का आप इलाज करेंगे, हम यहाँ से कभी नहीं जाएंगे, तो नहीं यहाँ से जाओ, नहीं तो मैं पर्चा फाड़ के फेंक दूंगा, यहाँ से ले जाओ। डॉक्टर का नाम बताए? नाम नहीं बताया, लिखा होता है उसकी और मैं पढ़ी तो हूँ सर, इसीलिए ना हमसे साइन करवा लिए। फिर क्या कर साइन करवाए तब कुछ नहीं लिखे थे, साइन करवाने के बाद में उस पे जाके अंदर में जाके लिख दिए
जो बच्चे को ये भर्ती नहीं करवाना चाहती है, हम करना चाहते हैं ये करवाना नहीं चाहती है। हमें बोले जी नहीं आपको वहीं पे इलाज होगा, बच्चे को टेस्ट सब। फिर आपने क्या किया वहाँ से बच्चे को लेके? हमें बच्चे 50 में निकल गए, दोबारा अम्बेडकर में आ गए। दोबारा अम्बेडकर में देखिए ये जो है केस है बच्चे का, मैं अम्बेडकर आंचल का 8 साल की है और अम्बेडकर अम्बेडकर हॉस्पिटल में थी ये, तो अम्बेडकर हॉस्पिटल में उन्होंने इसको रेफर कर दिया लोकनायक के अंदर कि पेडियाट्रिक सर्जन नहीं है उनके पास। और जब लोकनायक में ये लोग आए तो इनके साथ काफी मिसबिहेव किया एक तरीके से है, और जबरदस्ती लिखवा लिया कि हम अपनी मर्जी से ले जाना चाहते हैं, और फिर इनको मजबूरन फिर जो है अम्बेडकर हॉस्पिटल वापस लाना पड़ा। और अम्बेडकर हॉस्पिटल बार बार यही कह रहा है कि मेरे पास इसका इलाज नहीं है क्योंकि पेडियाट्रिक सर्जन नहीं है मेरे पास। तो अब ये लोग मेरे पास आए हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर EWS कैटेगरी के अंदर इनका ट्रीटमेंट हो जाए। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि एक तो सरकारी अस्पतालों के अंदर पेडियाट्रिक सर्जन जैसी जरूरत की डॉक्टर नहीं है, दूसरा ये कि लोकनायक हॉस्पिटल में जब भेजा गया अम्बेडकर हॉस्पिटल से तो लोकनायक हॉस्पिटल को ट्रीटमेंट देना चाहिए था, ना कि इनके साथ मिसबिहेव करके सारे लोगों के साथ और पेशेंट को वापस भिजवाने की मतलब भेज दिया वापस है। तो ये बड़ी शर्म की बात है। थैंक यू।